जहां पर मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा बचपन किसी और को मिले। लोगों को कामना होती है कि उनका बचपन लौट कर उनके जीवन में वापस आए। लोग बार बार कहते हैं कि काश बचपन वापस आ जाता, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा मेरे जैसा जो नहीं चाहेगा कि उसका बचपन लौट कर फिर से उसके जीवन में वापस आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अब तक आप लोगों ने एज अ गार्डनर मुझे जाना। मेरे वीडियोज के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप लोगों की एडवाइजेस के थ्रू मुझे भी बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिला। ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन हम लोगों के बीच में बना, ये 3 सालों को पूरा कर चुका है और अभी हम लोग 4th साल में इंटर कर चुके हैं। लेकिन आप लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं, शायद यहां पर आप लोगों के पास शब्द नहीं होगा, आप निःशब्द होंगे। तो आज मैं आप लोगों को वही शब्द, वही पंक्तियां देने वाला हूं। आप अपने गार्डनर के बारे में, आप अपने इस ब्लॉगर के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर आज आप लोगों के पास है, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो मैं हूं आलोक कुमार सिंह, बेसिकली फ्रॉम अयोध्या। मेरा जन्म 5 मई 1989 को अयोध्या में हुआ, इसलिए आप लोगों को अयोध्या से जय श्री राम। यहां पर जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ, काफी कंजर्वेटिव थी, ना कि सिर्फ विचारों से बल्कि लोगों के की जो सोच थी, लोगों का जो रहन सहन था वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था। एक ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई जहां पर मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा बचपन किसी और को मिले। लोगों को कामना होती है कि उनका बचपन लौट कर उनके जीवन में वापस आए। लोग बार बार कहते हैं कि काश बचपन वापस आ जाता, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा मेरे जैसा जो नहीं चाहेगा कि उसका बचपन लौट कर फिर से उसके जीवन में वापस आए। क्योंकि बहुत कुछ था इस परिवार में, मतलब उस परिवार में जहां से मैं निकलकर अब यहां तक आया हूं। लोगों के पास था ना ही मेरे पास एक अच्छी परवरिश, मैं कहूंगा परवरिश में ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे माता पिता के थ्रू कुछ कमियां थी। जो कमियां थी वो थी कि हर बच्चे का की जो शौक होती है, किसी को अच्छा पहने हुए देखना तो मुझे अच्छा पहनने को मिले, किसी के पास अच्छे खिलौने देखना तो मुझे भी वो अच्छे खिलौने मिलने चाहिए, कभी नहीं मिला। एक कम उम्र में ही थोड़ा मैच्योर थिंकिंग आ गई दिमाग में, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रहा था, मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो भी सेम सिचुएशंस में जो है मेरी तरीके से ही सर्वाइव कर रही थी। और हम अपने आप को सर्वाइवल इस वजह से बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग यहां तक चलकर आए हैं। माता पिता का प्यार ही सब कुछ नहीं होता, आप एक परिवार में जिसमें रहते हैं वहां से भी आपको उतना ही प्यार, उतनी ही देखभाल और उतना ही अटेंशन मिलना जरूरी होता है। लेकिन यहां पर हमारा अटेंशन जो था वो काफी ज्यादा बटा हुआ था, काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। तो वो चीजें तो जो है वो अलग चीज है, अभी आप मेरे बारे में जान लीजिए। मतलब कुल मिला के मेरा बचपन अच्छा नहीं था। मेरी 5th तक की एजुकेशन मेरे लोकल मार्केट में एक स्कूल है वहां पर हुआ। उसके बाद मेरी लाइफ की जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट होती है। शायद ऊपर वाले ने कुछ लिखकर रखा होगा मेरे लिए और इस वजह से वहीं से मेरी डेस्टिनी चेंज होती है। मेरी काबिलियत कह लीजिए या फिर मेरे पिता का प्रयास, मेरा एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में हुआ है। था तो वो गवर्नमेंट ही, लेकिन वहां पर एडमिशन के लिए काफी ज्यादा मारामारी होती थी। अयोध्या में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज, जिसे लोग SSB इंटर कॉलेज के नाम से उस समय जानते थे। वहां पर मेरी 6th की एजुकेशन 6th क्लास से स्टार्ट हुई। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आज मैथ मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं टीचिंग भी करता हूं और लोग मैं हायर क्लासेस तक लोगों को मैथ पढ़ा चुका हूं। लेकिन 6th क्लास में जब मेरा वहां एडमिशन हुआ तो मैं 1st अटेम्प्ट में ही वहां पर 6th क्लास में फेल हुआ। वहां भी शायद मैंने अपनी असफलता से सीखा। और उसके बाद जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर कभी भी मैंने
असफलता का शायद ही मुंह देखा होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने सीख लिया था, क्योंकि जब एक बार असफलता आई ना, तो मैं एक ऐसे परिवार में रहता था जहां पर लोग आपको हौसला देने वाले नहीं थे कि नहीं आप इस बार अच्छा नहीं कर पाए तो चलो अगली बार अच्छा करोगे। माता पिता तो कहते थे, लेकिन बाकी लोग, अरे लंदन पढ़ने गए थे ये हो गया। कोई कह रहा है कि अरे मतलब चार बच्चों को इकट्ठा करके, अरे तुम इस बार फेल हो गए क्या, मतलब मुझे नहीं डायरेक्टली बोलना, किसी और को बोलकर मुझे सुनाना। मुझे शुरुआती तौर पर बहुत बुरा लगा, मैं कोने में दुबक कर रो लेता था, लेकिन फिर मैंने सीखा इस चीज को कि अब इसी अपनी असफलता को अपनी ताकत बनानी है, और उसके बाद स्टार्ट होती है एक स्ट्रांग पर्सन की जर्नी, जो अपने आप में ही अपने अंदर ही रहना पसंद करने लगा, अपने आप में ही अपने आप को मजबूत महसूस करता था, अपने आप में ही अपने आप को अलग और सबसे विशेष समझता था। मैंने मेहनत की, हाई स्कूल इंटर की एजुकेशन मेरी बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर बारी आती है पैसे की। मेरा जो मतलब बचपन से सपना था कि मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या फिर जो है पायलट बनूं, मतलब एविएशन सेक्टर में मेरा जाने का कुल मिलाकर विचार था। मैंने परीक्षा दी स्टेट इंजीनियरिंग में और फिर उसके बाद ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में, वहां पर भी मेरी अच्छी रैंक आई, और किस्मत मेरी अच्छी थी कि मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। लेकिन उस टाइम पर मेरी फैमिली की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर मैं उस एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सका, और उसके पीछे भी तमाम कारण थे। मैं एक दिन अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। तो वहां से वो मेरी एजुकेशन ब्रेक हुई, शायद अगर कोई दूसरा होता तो वहीं पर रुक कर थम जाता, लेकिन जब वहां से मैं लौट कर आया तो काफी ज्यादा लॉसेस में कर चुका था अपने परिवार का, लेकिन ये ठान कर मैं वापस आया था कि ये लॉस जो है इसे मैं बिग लॉस में नहीं बदलने दूंगा, मैं किसी ना किसी तरीके से इसको सुधारूंगा, इसे अच्छा करूंगा। मैंने लौट कर यहां पर अपने लोकल एरिया में कोचिंग डाली, अपने खुद के पैसों से, ना कि सिर्फ अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ना कि बल्कि अपने परिवार को भी उस समय एक मजबूती दी। एक ऐसे फेज से मेरा परिवार गुजर रहा था जहां पर उसकी फैमिली के लोग ही उसको छोड़कर दूर जा चुके थे कि ये लोग अच्छी कंडीशन में नहीं, अगर इनके साथ हम रहेंगे तो एक अच्छी लाइफ हमको नहीं मिल पाएगी। तो वो लोग तो दूर चले गए इस चक्कर में कि नहीं कभी ये अच्छा हो ही नहीं सकता। पर होता क्या है ना कि आपके बुरे वक्त में अगर कोई आपका सारथी बनकर साथ चलता है तो अंत में जब सुख का समय आता है तब भी वही आपका साथी होता है, ना कि वो लोग जो बुरे वक्त में आपको छोड़कर चले जाते हैं। यही हुआ, टाइम बदला, मैंने अपना बीएससी मैंने फिजिक्स और मैथ में कंप्लीट की, बीएड मेरा हुआ कंप्लीट हुआ, और बाय लक बीएड, जब मैं बीएड का पेपर दे ही रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूपी पीसीएस प्री 2011 क्वालिफाई कर लिया। मन में एक अलग ही जो है उमंग उस समय चल रही थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएस जैसा पेपर क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि जिस पीसीएस और आईएएस की परीक्षा को पास करने के लिए जो दिल्ली और बड़े बड़े सिटीज का रुख करते हैं, वो मैंने खुद की अपने दम पे अपनी मेहनत पर जो है उस चीज को क्वालिफाई किया। हालांकि वो मेंस तक पहुंचने के बाद मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने बैक टू बैक कई परीक्षाएं दी, जैसे कि UP SSSC के थ्रू LDA में सेलेक्ट होना, या फिर SI 2011 UPSI 2011 की परीक्षा में वहां पर सेलेक्ट होना। और फाइनली मेरा जो मन था ना कि मेरी फैमिली ने इतना बुरा फेस देखा था और मेरे थ्रू ही लगभग मुझे लगता था कि वो सारी चीजें आई, लेकिन ऐसा नहीं था। फैमिली का जो बैकबोन था वो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर था, और मेरे एक छोटे से जो है परिवर्तन ने कहीं ना कहीं हिला तो जरूर दिया था, लेकिन अब जो बनाने की प्रक्रिया थी वो मुझे ही शुरू करनी है, ये मुझे पता था। तो मेरा जो दो सिलेक्शन हुआ UPSI 2011 और फिर इस टीचिंग की जो जॉब में, अभी मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जूनियर हाई स्कूल में एक गणित के अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ, और मेरी पत्नी भी जो है वो प्राथमिक में शिक्षिका है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में, जिनको आप बहुत कम देखते होंगे। फिर उसके बाद है क्या कि
चलता रहा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। एक साथ दोनों में, दोनों परीक्षाओं में मेरा सिलेक्शन हुआ। परीक्षा क्या कह सकते हैं, इधर मेरा टीचिंग में सिलेक्शन हुआ और उधर यूपीएसआई 2011 भी, उसकी भी एक कहानी है। हुआ क्या था कि मैंने कुछ क्वेश्चन पे व्हाइटनर्स लगा दिए थे और जिसके कारण मेरा जो मेन मतलब जो मुख्य धारा का रिजल्ट जब वो आया तो वो रुक गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन आया और उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन हो पाया था। लेकिन तब तक मैं इस नौकरी में इतना समय व्यतीत कर चुका था एज अ टीचर कि मेरा यहाँ से जाने का इच्छा नहीं किया। तो मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना, मुझे इनके साथ रहना है, हर सुख हर दुख में हर मोमेंट पे इनके पास रहना है। और टीचिंग की ऐसी जॉब है जिसमें रहकर मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। मेरे दादा चूंकि हार्ट पेशेंट हैं और अभी देखा जाए तो 24 घंटे उनका दिमाग जो है वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है। 5 मिनट मुझसे अगर कहीं जाने में लेट हो गया, आने में लेट हो गया तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि इन लोगों से दूर जाना ठीक नहीं है। सन 2020 में वैसे तो गार्डनिंग मेरा बचपन का पैशन था। जब दुनिया ने मुझे नकार दिया था तो मैंने एक कोने में एक छोटा सा अपना गार्डन पुराने वाले घर पर बना रखा था। उसे भी लोग समय समय पर बर्बाद किया करते थे, जानबूझकर बेकार कर देते थे कि अभी ये रोएगा या फिर परेशान होगा तो झगड़ने का मौका मिलेगा या फिर जो है चढ़ाने का मौका लगेगा। तो मैंने अपनी उस इच्छा को दबाकर रखा और जब मैंने अपना ये नया घर बनाया, अभी बहुत अच्छे से तो नहीं बनकर कंप्लीट हो पाया है, लेकिन जब मैंने इस घर को नया बनाया तो मैंने अपनी अपने उस पैशन को जो है जीना शुरू कर दिया। मतलब टीचिंग तो मेरी जॉब है लेकिन अगर देखा जाए तो गार्डनिंग मेरी हॉबी है, मेरा पैशन था। तो टीचिंग जो है वो मेरी जॉब है और गार्डनिंग मेरा पैशन है। हुआ क्या कि अभी एक अच्छा खासा गार्डन बन चुका है। 2020 में मैंने चैनल तो बहुत पहले बना लिया था लेकिन अपने छोटे छोटे गार्डनिंग ब्लॉग्स डालना स्टार्ट किए। उसी में 7-8 महीने के बाद ही मेरी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई और अभी ये मौका है कि हम लोग 1,44,000 से ऊपर की एक फैमिली बना चुके हैं। और अभी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है शिव, जिसको आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। इसके अलावा मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, दादाजी है। छोटा सा परिवार है और इन्हीं के लिए मुझे जीना है और आप लोगों से बराबर बातें करना है अपनी वीडियोस के थ्रू अपने प्लांट्स के साथ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।